जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि हम बताने वाले हैं कि इस नोट्स में कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। मैंने ये नोट्स को काफ़ी बारीकी से पढ़ा है और पढ़ने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ कुछ गलतियाँ दिखाई दी जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इसके बाद आपको ये भी बताऊँगा वीडियो में कि ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिलेगा, आपको पेड करके कहाँ मिलेगा, सारा कुछ आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये गलती कहाँ पे है। आप गलती कहें चाहे बाई जो कहते हैं टाइपिंग मिस्टेक कहें, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी भी गलती चूक हो जाती है तो वहाँ पे स्टूडेंट को क्या होता है, समस्या हो जाता है समझने में। क्योंकि मैथ ऐसा चीज़ है कि अगर एक की जगह दो लिखा जाए तो वो बहुत मिस्टेक हो जाता है और काफ़ी दिमाग खर्च होता है और थोड़ा सा डिमोटिवेट टाइप का होता है। लेकिन ये PDF जो है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे समझाया गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं गलती को और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपको ये जो नोट्स अगर लेना है आपको, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा, उसके बाद उस लिंक पर क्लिक करना है और लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है और वहाँ से आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पेड करके लेना है तो आप सचिन सर के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आपको पेड में आपको ये जो अपडेटेड या फिर जो कहिए नया PDF आपको मिल जाएगा। लेकिन ये मेरे पास PDF पहले से है तो मैं आपको यह प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी हेल्प के लिए ये हम दे सकते हैं कि आप लोग अपना पढ़िएगा इससे। तो चलिए अब देखते हैं गलती कहाँ है। मैंने मार्क करके रखा है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये देखिए ये गलती है कैसे। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है, चित्र और देखिए कुछ सजाना है। सबसे पहले इसका जो रूल है बनाने का वो होता है ELPS से, ELPS यानी कि सबसे पहले ठोस वस्तु, इसके बाद फिर लैंग्वेज, उसके बाद पिक्चर और उसके बाद सिंबल यानी कि प्रतीक। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका आंसर जो एक दिया हुआ है, एक नंबर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सी जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मूर्त पदार्थ को आधे भाग में विभाजित करना, ये सही है। चलिए ठीक, उस पर जाते हैं कि सी के बाद ए है, तो ये चित्र दिखाता है और आधा प्रदर्शित करता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये जो है हमारा चला आएगा पी में, यानी कि चित्र दिखाना यानी कि पिक्चर, ये पिक्चर में चला आता है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा और इसका जो आंसर है वो सबसे पहले ये गलत हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर एक नंबर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा चलिए बताते हैं। इसका देखिए सबसे पहले आपको बताएं हम कि इसका जो होता है ELPS यानी कि सबसे पहले मूर्त या ठोस वस्तु। तो यहाँ पे मूर्त या ठोस वस्तु देखिए यहाँ पे सी में है, तो सबसे पहले सी देखते हैं कहाँ किस में है, यानी कि एक में है और दो में है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। तो अब आया हमारा सी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे लैंग्वेज, लैंग्वेज का प्रयोग किस में हो रहा है, तो कहानी या शब्दों के प्रयोग, यानी कहानी या शब्द का प्रयोग यानी कि लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। तो सी के बाद डी होगा, तो यहाँ पे ए लिखा हुआ, तो इसलिए एक गलत हो जाएगा और होगा उसका आंसर दो नंबर, या इसका यहाँ पे एक नहीं, इसका दो आंसर सही होगा। चलिए और गलती कहाँ है चलिए देख लेते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है यहाँ पे भले ही मिस्टेक हो गया है ऑप्शन टाइप, लेकिन सर के जो PDF है इसमें कहीं पे ये क्वेश्चन एक और बार दिया गया है, आप लोग देखिएगा, तो वहाँ पे इसका आंसर सही बताया गया है। लेकिन यहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टाइप गलत हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपने देखा कि कहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक था, तो ये था मैथ का और इसमें कि एक मिस्टेक मिला मुझे तो मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में या फिर आपको ये तो मैथ में तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको बताएंगे EVS में कहाँ कहाँ गलती है, इसके बाद आपको बताएंगे कि इंग्लिश या फिर संस्कृत में या फिर आपको हिंदी, सारा सब्जेक्ट में आपको हम एक एक करके जो भी ये छोटा छोटा गलती है या फिर जो भी है गलती आपको हम बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, और अगर आपको PDF लेना है तो बताए दिए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर करके, आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाना है वहाँ से आपको मिल जाएगा PDF, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।